नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी और एसटी वालों के लिए कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सभी को आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसके रिगार्ड आप सभी को सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सकें और आप लोग हमेशा अप टू डेट बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखित परीक्षा में आने वाले उम्मीदवार, ठीक है ना, तो काफ़ी यहाँ पर जो है अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के लिए काफ़ी उत्सुक है। यहाँ पर उनके दिमाग में एक चिंता भरा सवाल ये है कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट जो है कब आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के माइंड में आ रहे होंगे। तो जनवरी 2019 में आयोजित हम इस लिखित परीक्षा 2018-19 के लिए जो है आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिखित परीक्षा जो है आप लोग की 100 प्रश्नों में से जो आप लोग की 100 मार्क्स की हुई थी, ठीक है, जिसमें आप लोग के 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स के थे, और टोटल जो आपको टाइमिंग दी गई थी यहाँ पर 90 मिनट्स की दी गई थी, ठीक है ना, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, कट ऑफ जैसे कि यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी एसटी अगर बात करें कि ऑफिशियल कट ऑफ परिणाम घोषित होने के समय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा घोषित की जाएगी। फिलहाल तब भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बता दें, 100 में से जो जनरल और यानी कि अनरिजर्व जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर 87 से 92। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखिए दोस्तों नहीं है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है वो बनती है 90 मार्क्स से लेकर 85 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। एससी की बात करें दोस्तों, अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 81 से लेकर 78 तक इतने मार्क्स तक इनकी कट ऑफ जा सकती है। और एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो एसटी वालों के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पर 73 से लेकर 77 तक रहेगी, ठीक है ना। तो फिलहाल ये दोस्तों इतनी आप लोग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 100 मार्क्स का पेपर है, और पेपर का जो लेवल है वो भी इतना दोस्तों जो है हाई नहीं है, नॉर्मल ही पेपर का लेवल है, ज़्यादा डिफिकल्ट या हार्ड पेपर नहीं आया है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ मुझे इतना ही अपडेट करना है कि आप लोग की इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। फिलहाल जो भी आप लोग की जो ऑफिशियल अगर कट ऑफ आती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आती है, ऑफिशियल अगर कट ऑफ जारी की जाती है तो आप तक लेकर आएंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। यदि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट होगी वो आपकी मिस ना हो। फिलहाल अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो बने रहेगा दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।